गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता जी अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 15। इस ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा, यानी इन्हीं के ऊपर आश्रित हैं, इनके अतिरिक्त तो किसी ने नहीं मानते, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर भावन आसुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओह इतना बलायो, ये दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख। ये गीता ज्ञान दाता काल कह रहा है कि मुझको नहीं बजते। अपुण्यात्माओं स्पष्ट कर दिया, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करने वालों को, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने, त्रिगुण में माया की पूजा करने वाले को के उपमा दी है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए और मनुष्यों में नीच, और तेरा गजब, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी ना करते, मुझे नहीं बचते। अब इनको ऐसा क्यों कहा है कि इनको मूर्ख राक्षस दुष्ट दुष्ट दूषित कर्म यानी निकम्मे काम करनी है, और मूर्ख क्यों कहा? जैसे ब्रह्मा जी की पूजा की थी, रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, जो प्रह्लाद के पिताजी थे, और ब्रह्मा जी की रजगुण की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर ली, एक हड्डी की गांठ लेकर पंसारी बन गया और कहने लगा मैं ही भगवान हूँ, मैं जो करूँगा वही होगा, मेरा नाम लिया करो, मेरी पूजा करो। उसके पिता प्रह्लाद ने उसको स्वीकार नहीं किया तो अपने पुत्र का ही शत्रु बन गया, उसके साथ वो जुल्म किए और राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरिया। रजगुण ब्रह्मा का पुजारी। अब तमगुण शिवजी के पुजारी के विषय में, जैसे रावण ने भगवान शिव की पूजा, रजगुण तमोगुण भगवान शिव की पूजा की थी, सर्वविदित उसने के किया, सीता जी का अपहरण किया, शराब पीवे मांस खावे, ब्राह्मणों कैसे जुल्म किए, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरिया। एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था और उसने भगवान शिव की साधना की, पहले तो ऊपर कैलाश पर्वत पर जाके की हजारों वर्ष, फिर उसने शिव जी के द्वार के आगे गेट के सामने बैठ गया, ऊपर ने पैर करके नीचे ने सिर सिरासन पर। एक दिन पार्वती जी की प्रार्थना से भगवान शिव ने उस दशमागिरी से कहा कि बोल भाई क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। दशमागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं प्रभु, वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। वचनबद्ध हो गए भगवान शिव जी तो वो दशमागिरी खड़ा हो गया, छोड़ दी तपस्या, कहा कि आप अपना भस्म कड़ा दे दो। भगवान के हाथ में एक भस्म कड़ा था, उसमें ये शक्ति थी कि किसी के सिर के ऊपर ऐसे कर दे और बोल दे भस्म, तो वो उसको सोहा कर देता था, जला देता था, मार देता था। इस बात का ज्ञान भस्मागिरी को था और उस दुष्ट आत्मा के मन में के खोट था कि इस भस्म कंडे को प्राप्त करके, भस्म कड़े को लेकर के शिव जी को मारूंगा और इसकी पत्नी पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, इससे नीच कर्म और के होगा उस दुष्ट आत्मा का। भस्मा गिरी से भस्मा असुर कहलाया और जब भगवान शंकर ने उसको कड़ा दे दिया तो कहा कि होले भोलेनाथ होशियारी तुझे मारूंगा।
अब भगवान शिव जी भाग लिया। अब देखो हम इन कथाओं को पढ़ा करते थे क्योंकि हमारा पवित्र हिंदू धर्म जन्म था, लेकिन यह समझ मना आकृति कि भगवान शिव जी को मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान कहा करते थे ये हमारे गुरु, और फिर उस इसको ही पढ़ा करते थे कि भगवान शिव जी भस्मागिरी के आगे भाग लिया डर का, हमारा अविनाशी होते तो ये भागते क्यों, ये अविनाशी नहीं है, खुद कहते हैं हमारा नाश जन्म मृत्यु होती है। तो फिर वो आगे कहानी आपको पता ही है कि भगवान ने पार्वती रूप बनाया और भस्मागिरी को भस्मासुर को गंडत नाथ नचा कर उसको मारा, तब भगवान शंकर के जी में जी आया। अब ये तो हो गए भस्म तमोगुण शंकर की पुजारियों के को राक्षस क्यों कहा, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख दुष्ट आत्मा क्यों कहा। अब एक और इन सारे का सामूहिक एक और उदाहरण है कि एक बार हरिद्वार के अंदर एक कुंभ का मेला भरा पर भी लगी हर पैड़ी पर, हर की पैड़ी पर, वहां पर ये सभी गिरी पुरी नाथ और गढ़नागा ये तो हैं तमोगुण शिव के उपासक और वैष्णो साधु हैं शिव जी विष्णु जी के उपासक, ये वहां नहाने के लिए उस पर भी मैं स्नान करने के लिए गए थे। वहां क्या होता है कि अपने अपने समुदाय में ये जा करके मिल जाते हैं, वह पूरा जनसमूह अलग से इनकी अलग अलग जो है ना समुदाय बनते हैं और ये फिर अपने समुदाय के साथ अपने मुखिया के साथ जा करके उस पर भी में उस सरोवर में या दरिया में स्नान करते हैं जहां वो पर भी लगी होती है। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले नागा जो तमोगुण शिव के उपासक थे ये पहुंच गए और हर की पैड़ी पे खड़े हो गए स्नान करने की तैयारी करने लगे। ये नागा होते हैं शरीर पर कुछ नहीं रखते, नंगे फिरा करें। उधर से वैष्णो विष्णु जी के उपासक वो वैष्णो साधु आगे पूरा समुदाय वो कहने लगे, वैष्णो साधु नागा साधुओं से कहने लगे कि भाई तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम पहले स्नान करेंगे और तुम बाहर आ जाओ पीछे आओ, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी सतोगुण के उपासक हैं। नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते और तुम तो पता नहीं कितने कितने श्रृंगार करते फिरते हो, तलक ला रहा है कोई कुछ कर रहा है पीछे, अच्छे सुंदर धो साफ साफ कपड़े पहन रहे हो। तो वैष्णो साधु कहने लगे तुम बाहर आ जाओ पाछा मर लो, तुम किसे जो है ना श्रेष्ठ हो, नंगे फिरो पशु की तरह नाना ने धोना तुमने शरीर फिर टट्टी के हाथ भी ना दो तेरा, तुम श्रेष्ठ बन गए हो, बाहर आओ पहले हम स्नान करेंगे। अब उनका तो फिर स्नान तो भूल बाल गए, भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी याद ना रही, गुट्टम गुट्टा मुक्कम मुक्का है, फिर निकाल ली तलवार ठोके एक दूसरे के बर्छी ठोक दे तीर तीर ठाड़े, यानी पूरा जो है महाभारत हो गया वहां पे। और 25,000 ये त्रिगुण उपासक ये आपस में कटके मर गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी। उन आत्माओं यहां उस सवसम वेद में सचिदानंद घन परमेश्वर की महिमा वाली वाणी में बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए ये परमात्मा कितना प्यारा उदाहरण दे दिया के तीर तुपक तलवार कटारी न्यो मार दे सीधे, न्यो दया भी कोई ना कि तुम मार रहे हो एक दूसरे को, भगत कहा है? हर पैड़ी हर हेत ना जाने, हर की पैड़ी भगवान में प्रेम नहीं समझा और उसकी आत्माओं को मार रहे हो वहां पर भगवान की छाती पर, एक तरफ से भगवान की पैड़ी कह रहे हो, तुमने इतनी भी ना जो भय लगा भगवान से और ना दया तुम्हारे अंदर, काटे शीश नहीं दिल करुणा,
काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा मीन दया, और वो जग में साधको आवे हैं इन महात्मा कहें, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। नरक कैसे पठावे हैं कि इन दुर्ज्ञान तो है ही नहीं, जब इनमें इतना इतना सहनशीलता नहीं कि जैसे आप कहीं स्नान कर रहे हो किसी घाट पे और दो भक्त आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम भी स्नान कर लें, आप उसको कह देते हो कि आ जा बैठ, आप भी आ जाओ इधर उधर करके उसको स्थान दे देते स्नान करने के लिए और बड़ी शांतिपूर्वक स्नान कर लेते हैं। अरे इनमें इतनी भी नहीं हो कोई नहीं, दो मिनट पाछा ना लेके बिजली पड़ जाके गंगा का पानी खत्म हो जाता है, ये साधु का जो इनके दर्शन न जा फिर इसी घुट्टी उन पाओगे, ये ईसाई ज्ञान उनको देंगे, वह भी नरा नाश करनी होंगे। तो पुण्यात्माओं हमने अपने आप को सुधारना है, अपने सदग्रंथों को फिर संभालना है, जहाँ से ये मानव सत्र जिनसे वंचित रह जाने से उस सत साधना से मानव गिर गया बिल्कुल पतन की तरफ जा रहा है, इसका उत्थान केवल सदग्रंथों के आधार से सत साधना करने से होगा। अब ये तो स्पष्ट हुआ कि तीनों गुणों के पुजारियों को ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है, और फिर ये भी कहा कि ये तीन लोक के प्रभु हैं, ये दोनों बात कैसे, हाँ ये दोनों ही हैं। जैसे अब आपने देखा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को मूल कौन भगवान है, तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, और शाखा कौन प्रभु है, और पत्ता रूप क्या है, जो ये बता देगा सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, और उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 और 4 में वर्णन है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में कहा कि तीन भगवान है, छर पुरुष और अक्षर पुरुष। छर पुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, छर पुरुष अक्षर पुरुष तना है, और छर पुरुष ये डार है, और तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश ये आगे शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव। जो पात्र रूप संसार है मूल कौन है, वो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, जो परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोक चरण आविश्य विभर्ति अवेश्वर है, वो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। वो कौन है, उसका क्या नाम है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7-8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा है वो कौन है, वो तत्परम, उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। अपुणात्मा एक क्षरब्रह्म, क्षर पुरुष कहो चाहे क्षरब्रह्म कहो ये काल है, और क्षर पुरुष कहो चाहे परब्रह्म कहो क्षरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो ये परब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म वो उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारते, वो परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, उत्तम पुरुष, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इसके लिए आपको एक चित्र दिखाएंगे, इसको समझिएगा, ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ये पूरी जड़ तक देखो यहां तक, ये अब इसमें ऊपर को तो पूर्ण परमात्मा है, ये ऊपर यहां जड़ तो जो है पूर्ण परमात्मा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 और 4 में ये वर्णन है, 15 और 16 और 17 में है, ये ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को नीचे को शाखम, बस इतनी बताकर छोड़ दिया गीता ज्ञानदाता ने, फिर ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी छंद बताओगे, इसके सारे छंदों को विभागों को टुकड़ों को,
अब परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा साख है, ये पात्र संसार। कबीर परमेश्वर ने, ये कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी अपने द्वारा रची सृष्टि को आपको बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ज्योति निरंजन ये काल है, ब्रह्म है, और तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता रूपी शाखा है और पात्र रूप संसार। अब जड़ कौन है? ये जड़ जो है ये पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये कबीर देव है, कबीर प्रभु है। अब देखिएगा ये जड़, ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जड़ से बाहर यानी जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको हम पेड़ बोलते हैं। तो अक्षर पुरुष इसको सर्वपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को और 1 और 4 को अब निर्णायक तरीके से समझाएंगे। तो इसमें ये सर्वपुरुष है, अक्षर पुरुष है, ये तो तना है, ये इसको परब्रह्म भी कहते हैं। इसमें से एक मोटी डार निकली वृक्ष से, ये ब्रह्म है। ये क्षर ब्रह्म कहो चाहे क्षर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, सर्वपुरुष कहो, इसके तीन पुत्र हैं, इसकी तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात्र रूप संसार। अपुण्यात्मा जड़ से खुराक चलती है, मूल से आहार मिलता है पौधे को, वृक्ष को। अब गीता गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अपनी इच्छा से जो पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, यूजलेस। अब देखिएगा जैसे हमने सत भक्ति रूपी पौधा अर्थात आम का कोई पौधा लाकर बीजना है, लगाना है, तो कैसे लाएंगे? पौधा लाएंगे नर्सरी से, उसको जमीन में गड्ढा बना करके जड़ की तरफ से गाड़ेंगे और फिर जड़ यानी मूल की सिंचाई करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा वो आम का, और फल किसको लगेंगे? शाखाओं के, वो शाखाओं का फल लगेंगे। पूजा मूल की करनी पड़ेगी और फल लगेंगे शाखाओं के, और यदि हम उनको शाखाओं की तरफ से गड्ढे में बीज दें और मूल कर दे छोड़ दें, और हम क्योंकि शाखाओं का फल लगते हैं इसलिए इनसे प्रभावित होकर हम उन्हीं की पूजा शुरू कर दें शाखाओं को गड्ढे में गाड़ के, तो पौधा सूख जाएगा। अब देखिएगा वो शास्त्र विरुद्ध साधना होगी। अब हम पौधा लाए, ये देखिएगा आम का, इसको हमने गड्ढे में यानी गमले में या ये तो दिखा रखा बाकी गड्ढे में ला करके, ये दिखाने के लिए पूरी स्थिति इसलिए गमले में दिखाया आपको। तो गड्ढे गमले में यानी गड्ढे में हमने जड़ को मिट्टी में डाला, दबाया और इसकी पूजा शुरू की यानी सिंचाई शुरू की। तो इससे इस ये जड़ जो है मूल है, पूर्ण परमात्मा है इस भक्ति रूपी पौधे का, इसकी सिंचाई की तो ये तना बड़ा हुआ और ये सिंचाई इसकी आहार जो है इसके अंदर पहुंचा। अब हमने तो ये जो बड़ा पेड़ हो जाएगा तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाओं के आम ये फल लगेंगे। अब लाभ तो हमें मिलेगा इन टहनियों से, शाखाओं से, और कोई ये नहीं बताया कि हमने, इस दास ने ये नहीं कहा, परमात्मा कबीर जी ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश कति यूजलेस है और इनकी जो पूजा जो की जाती है, पूजा की जाती वो गलत है, लेकिन ये टहनी वृक्ष से काट के नहीं फेंकी जा सकती, ये फल यही देंगे, लेकिन पूजा मूल की करनी पड़ेगी। अब हम क्या, आप जी क्या कर रहे हैं, इसलिए गलत कहा है कि तीनों गुणों की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। अब तीन ये हैं शाखा, इन शाखाओं को तो हमने गड्ढे में डाल दिया गमले में और जड़ को ऊपर कर दिया, हम इसकी इनकी सिंचाई इनकी पूजा शुरू कर दी, जिससे हमारा भक्ति रूपी पौधा व्यर्थ हो गया, हमारी जो पूजा शास्त्र विरुद्ध होने से यूजलेस होगी, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। अब दास ये बताते हैं परमात्मा कबीर जी के बताए हुए ज्ञान को कि एक साध्य सब सदै, एक साध्य सब सदै, यानी इस एक की पूजा करने से पूरे देवता राजी हो गए, ये सब ऊपर ने यानी सब देवता बढ़ गए, इन तीनों ये तीनों देवता प्रफुल्लित हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने खुश होकर के बिना मांगे ये फल से लदपद हो जाएंगे पौधा पेड़ बढ़ने के बाद,
एक कैसा दे सब सद है और सब साधे सब जावे, ये सब साधे दे सारा नष्ट हो गए पौधा, और माली सींचे मूल को फले फूले गावे। माली यानी समझदार व्यक्ति जो इस प्रोसीजर से परिचित है, जो वो मूल को पूजेगा वो इस तरह पौधे को नहीं लगाएगा। पुण्यात्माओं, अब इस दास ने यानी अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बेकार हैं, व्यर्थ हैं, इनकी कोई सचिची नहीं है। नहीं, ये हमारी भक्ति के एक अभिन्न अंग है, हम इनसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये यहाँ के मुखिया हैं, तीन लोक के ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। लेकिन ये हमें वर्क डन तभी देंगे जब हम पूर्ण परमात्मा की पूजा कराएंगे। पूर्ण परमात्मा की साधना करने से शास्त्र अनुकूल हमारी पूजा होगी, उससे हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, वो शुभ संस्कार जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास, फिर ये तीनों देवता हमें बिना मांगे वो फल देंगे, अपने मांगने की आवश्यकता नहीं। अब इसी का प्रमाण आपको गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक बताते हैं कि यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, जैसे हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ जो है, ध्यान यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। यदि हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो ये हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। अब हमने पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा कि हम मूल की पूजा करेंगे, पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर पूजेंगे, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी ये टहनी, ये देवता बढ़ेंगे। अब देखो, आप जी बहुत ही पुण्यभागी प्राणी हो जो ये परमात्मा का अनमोल खजाना आपके समक्ष रह रहकर खोला जा रहा है। यही पवित्र गीता जी 5000 वर्ष से ऊपर इसको लिखे और बोले हो चुका, और तब से मानव समाज यानी विशेषकर पवित्र हिंदू समाज इसको सिरोधार्य मानता रहा, और है भी सिरोधार्य, लेकिन इसमें संदेश क्या है वो हम तक नहीं पहुंच सका। हमारे को केवल अज्ञान से ठोक दिया पवित्र गीता जी की आड़ लेकर कि ये बड़ा गीता जी का मर्म ज्ञाता संत है, और वो के बताया करता था उन गोपियां और गुजरियां की कथा सुनाया करता श्री कृष्ण जी के साथ नैर मनान की, और गीता के बतावर वो सुनाया क्या करते हमारे को, हैं तेरा क्या जाता है अर्जुन, तू के लेकर आया था, तू तो मुंह है, तू तो आत्मा है, टट्टू है। अब जो ज्ञान इसमें दे रखा है उसके तो निकट भी नहीं आने दिया हमारे को, क्योंकि वो सुनाने वालों को पता नहीं था तुम के बांडो, और इसमें लिख के रखा पवित्र की सदग्रंथ में। अब इतना प्यारा ज्ञान दे रखा है इस गीता जी में, अब देखना कितना निर्मल होगा। इस पौधे रूपी आपने सुना है कि जड़ को हम सींचेंगे तो तीनों गुण रूपी शाखा अर्थात ये देवता बढ़ेंगे, ये देवता बढ़ेंगे, ये शाखा बड़ी होंगी, पूरा वृक्ष बन जाएगा, तो फिर लदपद होंगे वो फलों से, तो बिना मांगे वो फल देंगे आपको, अब पर टूट टूट कर गिरेंगे फल पक पक के वृक्ष के ऊपर से। तो अब ब्रह्मा संपूर्ण परमात्मा कबीर देव की, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेंगे, उससे हमारे धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल होंगे, जिनसे ये तीनों देवता हमारे को वो किया हुआ फल देंगे। ये केवल किया हुआ फल दे सकते हैं, ये कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते। जैसे आप किसी मालिक की नौकरी करते हो, आप सरकारी नौकरी करते हो, आप पूजा तो कर रहे हो सरकार की, और आपको तनख्वाह दे रहा है कौन, एक कैशियर, लेकिन वो कैशियर आपका एक नया पैसा कम ज्यादा नहीं कर सकता, वो उतना ही देगा। लेकिन आप परमात्मा की पूजा ना करके, सरकार की पूजा ना करके उस कैशियर की पूजा करने लग जाओगे, उसकी नौकरी त्याग दोगे, कैशियर तन चौने नहीं दे सकता, उसका अपना गुजारा मुश्किल से होता है। तो इसी प्रकार हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा पर डट गए, हमने पूजना चाहिए था पूर्ण ब्रह्म, किसी की बुद्धि मुश्किल से पहुंची है ब्रह्म तक, और ब्रह्म की साधना का भी उनको पूर्ण ज्ञान नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ध्यान लगा ले, समाधि ला ले,
हैं, कोई कोई मंत्र, कोई कुछ मंत्र, ये पिला पूजा है, कोई कहते हैं कि गायत्री मंत्र बना लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के श्लोक 3 को बार बार रिपीट करके उसका वो मंत्र लगा के ये पीसी से पार हो जाए। ये दंत कथा और मौखिक मनमाना आचरण है जिससे कोई लाभ मानव समाज को नहीं, उसका पूर्ण लाभ नहीं हुआ। अब आपको गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से 15 में बहुत निर्णय होगा जो अभी विषय चल रहा है। ये देखिएगा श्री मद भगवत गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर आप 10 से प्रारंभ कीजिए। अध्याय नंबर 3 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने प्रदान करने वाला हो। अब 11वें में क्या कहा है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें, इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब देखना 12 में, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अब देखना अध्याय नंबर 13 में, ना श्लोक अध्याय नंबर 7 के 10 3 के श्लोक 13 में, अध्याय 3 के श्लोक 13 में क्या कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब कहने का भाव क्या है इसका, गीताजी हमें क्या संदेश दे रही है कि मनुष्य जीवन पाकर जो हम धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये क्या कहते हैं कि तुम परमात्मा ने सृष्टि रची उस समय ये ज्ञान भी साथ साथ दिया था और कहा था कि तुम अपना धार्मिक अनुष्ठान करते रहना जिससे तुम्हारा तुम्हें सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। तो क्या बताया कि इस शास्त्र अनुकूल साधना द्वारा पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर उसकी पूजा करो, उससे क्या होगा, उससे तुम देवताओं को बढ़ाओ उन्नत करो। ये संसार रूपी वृक्ष की जो शाखा है, तीनों देवा देवता शाखा है, इन ये बड़े हुए देवता, ओए होए ये बड़े हुए देवता तुम्हें यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता बिना मांगे ही तुम्हें इच्छित फल देते रहेंगे। और जो धार्मिक अनुष्ठान, जैसे आपको कितना अच्छा सुविधा मिली है मनुष्य जीवन में, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती कर रहा है, कोई दुकान, कोई मजदूरी, जरूर दो रोटी सुथरी मिल रही है, और इस धन में से परमात्मा के द्वारा दिया हुआ, क्योंकि ये देवता देते हमारे को लाभ कैसे, कि जो हमारे शुभ संस्कार पूर्ण परमात्मा की भक्ति से अनुष्ठानों से बने इनके पास जमा हो गए, इन्होंने हमें देने हैं, और इस धन में तो फिर हम दोबारा धार्मिक कर्म नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, कहते हुए तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूले, ते बिदना बागुल किए फिर रहे उर्दमुख झूल। के जो पर जिन हर की चोरी करी, जो धार्मिक अनुष्ठान सत भक्ति साधना नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, वो परमात्मा के चोर हैं। और ये गीता जी कह रहे हैं, कह रहे, और यही वो सच्चिदानंद घन की परमेश्वर की वाणी कह रही है, वो
सब संवेद कह रहा है। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 3:14-15 में स्पष्ट किया है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ शुभ कर्मों से होते हैं। यज्ञ जो है शास्त्र अनुकूल कर्मों से होते हैं और कर्म लगाए ब्रह्म ने। अब देखो हम सतलोक में रहते थे, वहां कोई काम नहीं था, कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता था, ना कोई काम करना था, ना कितना खेती करनी थी, ना मजदूरी, ना दुकान। वहां इतना फल, इतना वहां परमात्मा के दरबार में आहार है हर प्रकार का, वो कभी सदा बाहर है, वो कोई भी खत्म नहीं होता। तो वहां हम निष्कर्म में सिद्धि प्राप्त होकर जाएंगे, वहां कोई काम नहीं करना। और यहां हमें काम करे बिना नहीं हो सकता, क्योंकि काल के लोक में आए तो इस ब्रह्म ने कर्म लगाए। अब ये कर्म लगाए ब्रह्म ने और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से, सर्वगतम ब्रह्म से। सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी पूर्ण, सर्वव्यापी माने वासुदेव, जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, वो सर्वगतम ब्रह्म वासुदेव है, वो कुल मालिक है, जिसको छत्रपति से चक्रवर्ती राजा कहा करते, उसको समझो। तो वो परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसी को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो धार्मिक अनुष्ठान सिद्ध होंगे, सही होंगे। ये सिद्ध करते हैं 3:14-15 श्लोक गीता जी का। ये देखिएगा अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 14-15। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। और कर्म को तू गर्म उद्भवम, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले, इन्होंने वेद कर दिया नहीं, ब्रह्म का अर्थ यहां पर ब्रह्म ही लिखना था, ज्योति निरंजन काल लिखना था, ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म उद्भवम ब्रह्म से उत्पन्न। और इस ब्रह्म की उत्पत्ति, या वेद गलत लिखा क्योंकि ज्ञान नहीं था इसलिए अर्थ अनर्थ कर दिया अर्थों का। ब्रह्म, ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म को अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध है कि सर्वगतम ब्रह्म, ओहो सर्वगतम ब्रह्म, ये सर्वगतम ब्रह्म अविनाशी परम अक्षर परमात्मा, सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा, ये सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है कि वो सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी यानी सबका मालिक परम अक्षर परमात्मा ही सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब पुण्यात्माओं ये है वो तत्व ज्ञान जो सकति निखार कर रख देगा हर एक चीज को। अब क्या है, अब फिर हम वहीं आएंगे, ये है वो परमात्मा जो, ये हो मूल मालिक, ये हो परमात्मा, ये यज्ञों में प्रतिष्ठित है। हम इस भगवान की पूजा करांगे करेंगे तो ये सभी देवता बढ़ जाएंगे, उन्नत होंगे, और ये बढ़ाए हुए देवता, ये त्रिजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु, ये आपको बिना मांगे फल देंगे। अब ये बताया कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, इसी को इष्ट मान करके इसी की पूजा करोगे तो आपका ये भक्ति रूपी पौधा हरा भरा हो जाएगा और आपको पूरा सुख मिलेगा, आपका मोक्ष भी होगा। अब पुण्यात्मा ये तो आपको क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से हमें पूर्ण लाभ होगा। अनजान लोग क्या कहते हैं कि आपके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करते हैं, ये उनको निंदा करते हैं उनकी। अब पुण्यात्माओं जो हमारे ज्ञान को नहीं सुनता, और जैसे सत्संग चल रहा है किसी ने 10 मिनट सुन ली को सीडी, वो उफड़ कर चाल पड़ा, वो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं, वो पूजा के योग्य नहीं है,
मैं दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं, वो केवल पढ़कर सुना रहा हूं कि ऐसा लिखा अपने सदग्रंथों में, जिनको तुम श्रोधार्य समझते थे उन्हीं में लिखा। और पूरे ज्ञान को ना सुनकर के वो लोग दूर हो जाते हैं भगवान से, निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि काल चाहता है कि सत्य ज्ञान को, तत्व ज्ञान को इनको सुनना ना दूं। अब पहले से उनके अंदर कोई ऐसी दुर्भावना बरवा देता है और फिर उनको बनाकर 84 लाख में गधे छोड़ देता है। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे यहाँ के प्रधान हैं, एक एक विभाग के मालिक हैं, और जो शुभ कर्म हम करेंगे इन्होंने ही हमें देना है। अब जैसे वृक्ष की टहनियों को काट के फेंक नहीं सकते, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार, हम तो पात्र रूप में हैं। और जैसे मूल परमात्मा कबीर देव है, कबीर प्रभु है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। अब उस जड़ से खुराक चली तना में, तना से डार में, डार से शाखाओं में, और शाखाओं से फिर हमारे पास पहुंची पत्तों में। यदि शाखा काट दी जाएंगी, छोड़ दी जाएंगी, पत्तों को कहां से लाभ होगा? हम ब्रह्मा विष्णु महेश को दूर नहीं कर सकते। क्या लिखा है सवसम वेद में के तीनों देवा दिल में बसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनको वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। हम सबसे पहले आपको इन ब्रह्मा विष्णु महेश के वो मंत्र देते हैं, दुर्गा के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, गणेश जी के, जो हमारे इस शरीर के कमलों में इनकी आधिपत्य है। प्रत्येक कमल का अलग अलग ये देव है। हम उन मंत्रों से इन कमलों को खोल लेंगे, इन ब्रह्मा विष्णु महेश का जो हमारे ऊपर ऋण है उसको उतारेंगे। जैसे हमने बिजली महकमे से कनेक्शन ले रखा है, किसी से और पानी वाले से ले रखा है, टेलीफोन वाले से कनेक्शन ले रखा है, विभाग से, अब हमने क्या किया है कि हम सत साधना ना करके हम निर्धन हो गए और हमारे सभी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए। और फिर उसको दोबारा चालू करवाने के लिए एक गारंटर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ये दास आपका गारंटर बनेगा और आप शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपने पूर्व की कमाई को समाप्त कर चुके हो, और इस जिस कारण से आप निर्धन हो गए, किसी पर कोई आपत्ति, किसी पर कोई आपत्ति, कोई बीमारी, कोई घर का काम ठीक नहीं चल रहा, तो आपको ये पहले मंत्र दिए जाएंगे। इन मंत्रों से आपके कमल खुलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे प्रसन्न होंगे और आप इनका ऋण चुका दोगे तो ये आगे आपको राहत देना शुरू कर देंगे। जब हम यहां से चलेंगे, आप ये जीव आत्मा हृदय कमल से चलती है, ये पहले मूल कमल में जाएगी, मूल कमल में गणेश जी है, गणेश जी का कमल का जो हमने जाप आपको दे रखा है, उस जाप के जपने से आपका वो कमल खुला मिलेगा आपको, अर्थात आपके कागज, आपका ऋण वहां से मुक्त मिलेगा, वहां कोई बाधा आपको नहीं होगी। फिर आप स्वाद चक्र में आओगे जहाँ सावित्री और ब्रह्मा है, उसका भी आपको मंत्र दे रखा है, वो भी ऋण आपका साफ मिलेगा, आपके कागज क्लियर मिलेंगे। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी हैं, उनका मंत्र आपको दिया जाता है, उससे आपका नाभि कमल साफ मिलेगा, वहां आपका कर्ज नहीं मिलेगा और वहां तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। फिर हृदय कमल में ये महादेव और पार्वती हैं, इनका भी मंत्र आपको दिया जाता है, जिससे ये आप ऋण मुक्त हो जाओगे। इनकी पूजा नहीं है। अब जैसे हमने बैंक से पैसे ले रखे, उनकी पूजा थोड़ी है, लोन ले रखा है, उनका दे देंगे तो प्रसन्न होंगे आपको, आगे लोन दे देंगे, नहीं तो आपको वो जो ना कुड़की करेंगे। तो ये पूजा नहीं है बैंक वाले की, वो उनका हमने लेन देन ठीक रखना है। ऐसे ही करंट कमल में दुर्गा है, दुर्गा का एक मंत्र दिया जाता है, जिससे ये इसका ऋण मुक्त हो जाएंगे और ये आगे रास्ता हमें साफ देंगे। फिर ऊपर त्रिकुटी कमल में हम पहुंचेंगे, वो मंत्र आपको और दिया जाता है, जो
ब्रह्म का जाप है ओम तत् सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् ये परब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से फिर आप जब त्रिकुटी में पहुंचोगे, वहां आपने ओम नाम की जो कमाई है, ओम मंत्र का जाप की कमाई और इन यज्ञों की कमाई वहां इस ज्योति निरंजन ब्रह्म को दोगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परितज माम। गीता ज्ञानदाता कहता है कि सब मेरे लेवल 17 की जितनी भी तूने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ओम नाम का जाप, क्योंकि तीन मंत्र के जाप में गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध त्रिविध समर्थ है उस पूर्ण परमात्मा का। तीन ओम तत् सत है, तीन प्रकार से तीन विधि से स्मरण करने का निर्देश है, नथिंग एल्स। अब ओम तो ब्रह्म का और तत् ये सांकेतिक है, तत् नहीं है वो मंत्र, कोई और है, वो ये दास बताएगा, और एक सत मंत्र है। तो इन तीनों मंत्रों के जाप से हम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के पास जा सकेंगे, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। तो ओम जाप की कमाई हमने इस काल को देनी है। ये तब कहता है कि सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरी पूजा कर, मेरा ओम नाम अकेला है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। जो मेरे ओम, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, जो इसका अंतिम श्वास तक स्मरण करता शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अपनी परम गति को गीता ज्ञान दाता ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मेरी ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुतम घटिया इस साधना में आस्थित है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं और जिस कारण से ये ब्रह्म की साधना तक ही सीमित रहे। तो ये कहता है कि तूने यदि उस परमात्मा की शरण में जाना है, सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, व्रज माने जाना है ना कि आना। अब बाकी सब अनुवादकर्ताओं ने अभी तक जितने भी बट्ठा बठा रखा है उन्होंने उनको सबका व्रज का अर्थ आना कर रखा है, जो बिल्कुल गलत है। तो सर्वधर्मान परितज माम, मेरी 17 के जितनी पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, तो मेरे में छोड़ और फिर उसकी शरण में जा सकता है। फिर मैं तुझे सब कर्ज से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब हम जिस व्यक्ति से कर्ज ले रखा है और उसने हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है, हम उसका कर्ज दे देंगे तो हमें छोड़ देगा। तो ये कहता मैं फिर तुम्हें छोड़ दूंगा, तू चिंता मत करे। अपुण आत्मा त्रिकुटी में जब हम जाएंगे, ओम नाम की कमाई हम देंगे। ओम और तत् ये और नाम है एक, इन दोनों के मिल जाने से सतनाम बनता है। तो वो सतनाम का जो कमाई है, ओम को तो वहीं मिल जाए, ओम का तो वहीं छोड़ देंगे, फिर दूसरा मंत्र हमें आगे लेकर चलेगा जो परब्रह्म के लोकों से पार कराएगा, और तीसरे मंत्र की कमाई हमें सतलोक में सथाई सथान दिवाओगी। वो इस प्रकार ओम तत् सत ये उस परमात्मा की पाने का मंत्र है। अब प्रसंग चल रहा है कि हम पूर्ण परमात्मा को भूल के और यही देवी देवताओं और इनसे भी निम्न सत्र के इन भैरव भूतां पर जाकर टिक गए, जिसके कारण हमारी दुर्गति हो रही है और मानव समाज में हाहाकार मचा हुआ है। हम चाहते हैं धनी बनना, पहले तो हम चले परमात्मा से अपना सब कष्ट निवारण करने के लिए, कोई संत ढूंढा या कोई और देखा देखी भक्ति करने लगे, उनसे हमें राहत मिली नहीं, ना उन संतों के बताए साधना से हमें कोई सुख हुआ, ना कोई घर में कारोबार बार में लाभ हुआ। तो फिर हम क्या सोचने लगे, दो नंबर के धंधे तक और साहूकारपण की सोचने लगे, कोई मिलावट करके, कोई दूध में पानी मिला के, कोई और दो के बीच बना के और नकली माल बेच के, चोरी ठगी करके हम साहूकार बनना चाहते, सात जन्म नहीं बन सकते, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसमें कम और बत्ती नहीं हो सकता, कम और ज्यादा नहीं हो सकता। कब तक,
जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति परम संत से लेकर नहीं करोगे, या केवल एक परम अक्षर ब्रह्म वो पूर्ण परमात्मा सत्यपुरुष कबीर देव है जो आपके भाग्य को चेंज कर सकता है, आपके लिखे लेख को, मस्तिष्क के लेख को चेंज कर सकता है। मासा घटे न तल बदे वेदना लिखे जो लेख, साचा सतगुर मेट कर भाई ऊपर मारे मेख। क्या बताया है कि जीव के जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मासा घटे ना तिलबद है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन पूर्ण संत, उस परमेश्वर का कृपा पात्र, उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ, वो उस कर्म को काट के और ऊपर मेघ मारना यानी फोर एवर समाप्त कर देना उसके दुर्भाग्य को। तो पुण्यात्माओं, हम सेठ भी बनना चाहते हो तो इस परमात्मा की भक्ति से आपको धन मिलेगा, इसी से आपका मोक्ष होगा। और किसी भी साधना से आप ना तो संसारिक लाभ प्राप्त कर सकते, ना कोई आत्म कल्याण का आपका मार्ग प्रशस्त हो सकता। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 और से 15 आपने पढ़ा सुना, और उसके बाद आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी से परिचित करवाया कि ये बिल्कुल नकारा नहीं है, लेकिन हम साधना गलत कर रहे हैं, केवल इनको पूजने लगे इसलिए भक्ति रूपी पौधा हमारा नष्ट हो गया। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि इन तीनों गुणों के पुजारी इन्हीं तक सीमित हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रही है, इनको कोई लाभ नहीं होगा। फिर बताया है अपने विषय में कि मेरी साधना ब्रह्म की पूजा भी चार प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी कौन है? जो अपने धन वृद्धि के लिए, अपने धन वृद्धि के लिए जो अनुष्ठान करते हैं वो वेद मंत्रों से ही करते हैं और किसी अन्य सतुचि का सहारा नहीं लेते, जैसे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये इस तरह की वो गीत नहीं गाते। वो जो भी अनुष्ठान करते हैं वेद मंत्रों से करते हैं। और आर्त जो संकट निवारण करने के लिए साधना करते हैं, वो भी जो मेरी जो पूजा वाले हैं ब्रह्म साधना कर रहे हैं मानते हैं अपने आप को, तो वो भी मंत्रों वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं। और जिज्ञासु वो होते हैं कि परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकल गए और जैसा भी जिससे ज्ञान मिला उस संग्रह करके वक्ता बन गए, भक्ति नहीं करते। बतांडी पाक जय है, दो बात सीख के सब नमस्ते करने लग जाए भगवान की चाह सभी को, बोली आत्माओं में चार बात सीख के और ऊट पटांग शास्त्र विद ज्ञान को एक संग्रह करके आगे गाना बजाना सुनाना शुरू कर देता है, वो भी यूजलेस। इन तीनों प्रकार के भक्तों को ब्रह्म साधक बताते हुए भी नकारा है। फिर चौथी प्रकार के जो ज्ञानी भक्त हैं उनके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है ये मुझे पसंद है और इनको मैं पसंद हूं, ये मुझे अच्छे लगते हैं। कारण क्या है कि ज्ञानी वो भक्त है, ज्ञानी आत्मा वो है जिसको ज्ञान हो गया कि भी मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, और मनुष्य जीवन पाकर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम, खुदवाया के काम। तो उनको ये तो पक्का विश्वास हो गया भाई जब भक्ति नहीं करी तो बात बिगड़ जाएगी, नाश हो जाएगा, क्योंकि आगे गधे कुत्ते सुअर ना जाने कितनी दुर्गति होगी हमारी। फिर उनको ये भी ज्ञान हुआ, वेदों में लिखा है कि केवल एक ही परमात्मा है जिसकी पूजा करनी चाहिए, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही पूर्ण लाभ होगा, मोक्ष भी होगा, और देवता नहीं पूजने चाहिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, तीनों गुणों के पुजारियों को नकारा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, इनसे कोई लाभ नहीं होगा, पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको ये भी ज्ञान हो गया कि भाई देवताओं की पूजा भी ठीक नहीं, ये सरोज निकालने भी ठीक नहीं, एक परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल के तत्वदर्शी संत ना मिलने से इस
ओम नाम को फाइनल मंत्र मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर दस परब्रह्म परम परम अक्षर ब्रह्म सारी उपाधि ब्रह्म को दे दी उन्होंने, और उन्होंने इस तत्व ज्ञान के अभाव से ओम नाम का जाप और साथ में काल के द्वारा थोप्या हुआ वो अपनी तरफ से शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे देवी भागवत तीसरे स्कंद में लिखा है। तो ब्रह्मा जी कहता मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, सब तरह जल ही जल था। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी कहता 1000 वर्ष तक मैंने तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब जैसे आपने पवित्र शिव पुराण में पढ़ा था भी, वो काल कहता है कि पुत्रो ब्रह्मा और विष्णु ये तुमको दो कृत मैंने खुश होकर दिए हैं, एक को सिर्फ उत्पत्ति का और एक को पालन का, और ये तुमने तप करके प्राप्त किए हैं। काल तो अपने पास से हींग ला गए ना फटकड़ी यू ना कुछ लाता, पहले इनसे तप करवाता, इनको बम बना लेता है एटम बम, और फिर अपने रिमोट से इनको घुमाता है। जब इनमें तप कर ली तप करने से सिद्धि आगी, सिद्धि आगी तो ले खिलौना दे दिया, तू उत्पत्ति का मालिक बन गया तू पालन का बन गया। इन्होंने तप किया, तप करने से इनमें सिद्धियां आगी, सिद्धि आगी तो यहाँ के अपने प्रधान बना दिए काल ने। तो ये तप की जो आकाशवाणी ब्रह्मा को की काल ने, ब्रह्मा ने आगे सब ऋषियों को सुनाई, तो इन्होंने के मान लिया कि परमात्मा की वाणी है तप करना भी, जबकि वेद तो बाद में मिले ब्रह्मा को, और वेदों में कितने 60 योग तप को के विषय में नहीं लिख रखा, ना गीता जी बल्कि मना किया है। गीता जी 10:17 के 6 और 7 में लिखा है कि जो ये 8 योग करके घोर तप को तपते हैं वो अपने जीवन का विनाश करते हैं, वो पाप आत्मा है। इसलिए गीता जी ने लिखा कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, यानी काम करते करते कर्म सन्यासी ना हो, कर्म योगी बनकर अपनी भक्ति करो तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, इन ऋषियों ने ओम नाम के मंत्र को तो फाइनल मंत्र मान लिया। जैसे यजुर्वेद 10:40 के श्लोक 15 और 17 में लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तुर समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य समझ कर सिमरन करो, तो तुम अंत समय में जो तुम्हारा शरीर नष्ट होगा उस समय तुम्हारी वायु यानी प्राण अर्थात जीव मेरे सत्र का जो अमृतव है उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इन्होंने उस ओम नाम के जाप को और साथ में वह आकाशवाणी काल, ओम नाम तो वेदों से सही मंत्र, और जो अन्य साधना करी वो तप किया हठ योग जो आकाशवाणी वो काल की अपनी थोपी हुई बकवाद, तो वह और शुरू कर दी वो मेडिटेशन। तो उन ज्ञानियों को के मिला, उनको क्यों घटिया साधना में क्यों बताया, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है 4:5 में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि जन्म मृत्यु की बीमारी जन्म मृत्यु का ये झंझट ब्रह्म साधना से भी नहीं कट सकता। अब एक इन्होंने क्या किया, ऋषियों ने साधनाएं की, इनमें इतनी सिद्धियां आ गई, किसी को किसी ने कुछ कह दिया उसका कह दिया तेरा नाश होगा, उसको हानि होगी, तेरा न्यू होगा, किसी को आशीर्वाद दे दिया ले तेरा पुत्र हो जाएगा तू धनवान हो जाएगा। तो उनको जो इन्होंने अपने जीवन में कमाई की थी कुछ तो श्राप देकर नाश कर दिया, कुछ आशीर्वाद दे करके बैठा बैठा दिया, और थोड़ी बहुत बची वो स्वर्ग में बोल कर फिर कुत्ते के दुनिया की सूर की दुनिया में ये महर्षि भी चले गए जो ब्रह्म तक की साधना ही तक सीमित रहे। इसलिए एक चुणक नाम का ऋषि था, उसने वेदों को समझा, उसी वेद ओम नाम का जाप साथ में ये
काल के द्वारा थोपी गया हठ योग, बहुत समय तक साधना की, एटम बम बन गया, सिद्धि युक्त हो गया, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी उसका आगे हाथ जोड़े हैं, नतमस्तक हो गए। एक चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का मान धाता चक्रवर्ती राजा था। उसके मन में ये आई कि कोई राजा मेरे अधीन जो है, कहीं मेरे जो कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो गया, कोई किसी ने मेरी जो अधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी। इसलिए एक घोड़ा उसके गर्दन में एक साइन ये पंपलेट लगा दिया, टांग दिया कि भी जिसने मानधाता राजा की अधीनता स्वीकार ना हो वो युद्ध के लिए तैयार हो जा, और राजा के पास 72 करोड़ सेना है, 72 छोनी